अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज हम ये फलियों के खेत में आए हैं, तो हमने सोचा अपने गाइस को भी दिखा दें कि हमारे यहाँ पे देसी माहौल में इस तरह की चीजें होती हैं। रही खावनी मिठाई अच्छा मीनू देवी तो आए गाइस, मेरे जो कैमरा मैन है वो आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं इतना खूबसूरत फल, ये देखते इस तरह की तोड़ी जाती हैं, जो ये थोड़ी सी रेड रेड होती हैं, ये समझो कि अब पक चुकी हैं पूरी तरह से ना। तो ये बड़ा आए थामनी जान, ये तो नरम है यार अभी, ये देखिए। वैसे ये बैठ के तोड़ी जाती है ऐसे करके ना, ये ऐसे पकड़ के ऐसे। तो मैंने कहा कि चलो अपनी गाइस को भी दिखा दूं। और गाय खामनी, गाय के खामने नहीं वो खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्योर देसी माहौल सरकार ऐ असी तेलिए इधर तेल भी बनता है, ये ऐसी सब्जी भी इस्तेमाल होती है। बहुत ही प्यारा, और यहाँ पे अभी ये पक चुकी है पूरी तरह से, लेकिन बीच में ना अभी ये थोड़ी थोड़ी सब्ज है अभी, ये देखें। तो ये चीज नहीं तोड़नी हमने ये चीज नहीं तोड़नी, ये वाली जो चीज है हम इस तरह की, यानी कि ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के थोड़ी सी, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देखें। इसको हम पका भी सकते हैं, जहरी सी बात है ये पकाने वाली चीज है, तो इसे ये लोबिया है ना, लोबिया। हाँ, पहले लोबिया इसे अच्छी तरह उबालना होता है, उसके बाद ये बड़ी टेस्टी इनका सालन बनता है, बहुत टेस्टी सालन बनता है। तो गाइज हम अगली स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने चलो ये मेरे माइंड में आया कि भी ऑडियंस है उनको वो जानते भी होंगे, हम टोटल प्योर देसी माहौल में अपनी जितनी भी वीडियो है, इधर कपड़ा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे वो क्रोमा शूट कहते हैं भाई सफदर, क्रोमा शूट नहीं है, ये जैनवन है। वो गांव का माहौल देखने आप शाम होने को आई है, तो लोग खेतों में काम करके अभी घर वापस जा रहे हैं, लेकिन हम अभी काम कर रहे हैं, अपना शूट मुकम्मल कर रहे हैं। तो दूसरी स्टोरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आप इसी जगह में पाएंगे। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें हमेशा याद रखिएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।